मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, ये 10th सीबीएसई साइंस और आप इसमें क्या है कि 10th और 11th वाले चैप्टर देख रहे हैं लाइट वाले, और उसमें अपन क्या है कि कुछ डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन करना सीख रहे थे, तो कॉनकेव मिरर्स हैं जिसमें मैंने 3 इमेजेस आपको इससे पिछले वाले वीडियो में फॉर्मेशन करके दिखाई है। अब अपन 4th पॉइंट लेते हैं कि जब इमेज मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पर कहें कि मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस और सेंटर के बीच में रखी हुई है कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए डायग्राम देखो किस तरीके से अपन बनाएंगे इसको। तो मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इधर से ये सेंटर इसका, ये इसका फोकस पॉइंट और इसका पोल है। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, दोनों के बीच में यहाँ पर रखा है, ठीक है ना, दोनों के बीच में रखा है। अब दोनों के बीच में रखने पर अब अपन क्या है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या है कि रूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला रूल्स ये सेंटर, इससे क्या है कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन क्या है कि मतलब लाइट रेज लाए हैं और उसको अपन ने फोकस से होकर किस तरीके से पास किया है, ठीक है। दूसरा अपन क्या है कि फोकस से होकर के ले आते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से अपन क्या है कि इसको भी आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इमेज जो बन रही है ना वह इस सेंटर के बाद में बन रही है, कहाँ पर बन रही है, सेंटर के बाद, आगे बात सुन, है ना, सेंटर के बाद में बन रही है। ये देखो तो अब इसके बारे में इमेज के बारे में, इमेज कहाँ पर बनी है, सेंटर के बाद, ठीक है ना। जब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा है। तो अब इसके बारे में अपन और बात करते हैं, तो पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन, इन 4 पॉइंटों की बात करनी है आपको ये डायग्राम बनाने के बाद, और फालतू की बातें नहीं करनी है कि एक तो कहाँ पर बन रही है, वो बड़ी है या छोटी है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में रियल है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 बातें आपको करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पोजीशन, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है ना, बियॉन्ड द सेंटर यानी कि सेंटर के बाद, ठीक है, सेंटर से परे, ठीक है ना, इसको कहते हैं नेचर। इसका नेचर क्या होगा, रियल है, क्योंकि रियल फोकस की तरफ बन रही है इसलिए रियल, एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है ना, विद प्रिंसिपल एक्सिस, इस वजह से। साइज जो है देखो, इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी बनी है, ठीक है ना, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी है, ठीक है। मैग्निफिकेंस ये तो ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि मतलब छोटा है और बनने वाली जो इमेज है वो बड़ी है, ठीक है ना, ये साइन लगा दिया बीच में। तो मतलब जब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच, सॉरी सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो जो इमेज है वो सेंटर के बाद, सेंटर से परे बनेगी और थोड़ी बड़ी होगी, है ना, रियल और इन्वर्टेड तो होती है, ठीक है, और इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेंस को भी अपन इस तरीके से लिखेंगे, ओके, ये हो गया। अब 5th टाइप की इमेज देखते हैं, 5 When the object placed between focus and
पोल, पोल और फोकस के बीच में रख दिया। कहीं कहीं के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। देखिए ये तो मिरर है, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये सेंटर इसका और ये इसका फोकस पॉइंट, ठीक। अब अपन ने इमेज को कहां पर रखा है, सॉरी पहले मैं यहां पर कहें कि बिटवीन फोकस एंड पोल मत कीजिए, है ना, एट फोकस कर लीजिए पहले, एक तरफ से चलते हैं अपन, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी मतलब एक तरफ से चल रहे हैं तो एक तरफ से चलिए, पहले इनफाइनेट पर, फिर इनफाइनेट से खिसक करके अपन सेंटर और इनफाइनेट के बीच में आए, फिर सेंटर पर आए, फिर इन दोनों के बीच में आए, अब अपन फोकस पर आएंगे, ठीक है ना, तो एक तरफ से चलिए ताकि समझने में इजी रहे, ठीक है। तो ये फोकस पर अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या है कि मतलब ये वाली अपन ने क्या किया, पैरेलल वाली डाली, पैरेलल वाली डाली तो वो तो क्या है कि मतलब फोकस से होकर के पास हो जाएगी, कहाँ से होकर के, फोकस से होकर के पास हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये फोकस से होकर के पास हो, ठीक। अब अपन फोकस से होकर के तो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ये तो पहला रूल्स तो हो गया, पहला रूल्स में कोई दिक्कत नहीं। अब जो सेकंड रूल्स है ना कि अपन फोकस से होकर के आएगी, कहाँ से होकर के आएगी, फोकस से होकर, तो फोकस पर तो ऑब्जेक्ट है तो फोकस से होकर के तो अपन ला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर अदर जो दूसरे रूल्स है ना उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप क्या करो, जो पोल वाला है ना, पोल वाले को इम्प्लीमेंट को, मैंने कहा था भाई दो सुटेबल रूल्स आपको इम्प्लीमेंट करने, ठीक है ना, तो वो आपका सिलेक्शन, आपका खुद का सिलेक्शन ही हुआ, ठीक है ना, भी आप कौन से वाले रूल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब अब फोकस वाले को तो अपन यूज नहीं कर सकते, यानी कि सेकंड रूल को यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है कि मतलब मैं किस वाले को यूज कर रहा हूँ, इस वाले को, पोल वाले को, तो पोल वाले को यूज करूंगा। तो पोल पर आप क्या है कि जैसे ही लाइट रेज डालोगे, है ना, ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये आगे जाएगी, ठीक है ना। ये जो है ये लाइट रेज एक दूसरे से मतलब कि मिलेगी, मगर ये कहां पर मिलेगी, एट इन्फिनेट, कहां पर मिलेगी, एट इन्फाइनेट पर मिलेगी, ऐसे सिकुड़ती जाएगी ये, और ये कहां पर मिलती जाएगी, कहां पर मिलेगी, ये एट इन्फाइनेट पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फाइनेट, ठीक, आगे पास समझ में। और जहां पर भी बनेगी वहां पर बहुत बड़ी बनेगी, कहां क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं, पोजीशन, पोजीशन, तो इमेज कहां पर बन रही है, एट इन्फिनेट, मतलब कि अपनी यहां पर देखो कहां पर जाकर के बनेगी अपने को मालूम नहीं है, मगर ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे को मीट जरूर करेगी आगे जाकर के, और जहां पर ये मीट करेगी वहां पर मतलब कि इमेज बनेगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनेट, कहां पर मिलेगी अपने को मालूम नहीं है, ठीक है ना, एट इन्फिनेट, ठीक है। इधर से नेचर, नेचर देखते हैं, नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, क्योंकि रियल क्यों, क्योंकि ये रियल फोकस की तरफ बन रही है, ठीक है, इसलिए रियल। साइज, साइज मोर लार्ज, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है ना। मैग्निफिकेंस जो है ये मतलब कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत बड़ी होगी इमेज, ठीक है, इमेज, आगे पास मतलब, तो ये हो गया इसका डाटा, ठीक है ना, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चार में से दो रूल्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है, सुटेबल दो रूल्स, ठीक है, आगे पास मुझे ये ध्यान रखिएगा आप। अब अगली वाली देखो,
अब अपन क्या है कि मान लीजिए कि इसको आपके जो सिक्स वाला है ना, लास्ट है, ये लास्ट प्रकार की इमेज बनेगी, ठीक है ना। पांच प्रकार की इमेज देख ली आपने, अब लास्ट प्रकार की देखना। लास्ट प्रकार की क्या है, लास्ट टाइप की क्या है, ये कि ऑब्जेक्ट को अपन रख रहे हैं यहाँ पर बिटवीन फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, देखिए ये तो सेंटर, ये फोकस और ये पोल, ठीक है ना। अब इमेज को, इसको ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ पर रखा है, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरी बात को सुन, यहाँ पर ढंग से सुनना है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दिक्कत खड़ी होगी। दिक्कत क्या खड़ी होगी, आप लाइट रेज ये वाली लेकर के जाएंगे, मगर ये वाली जो लाइट रेज है ना, ये वाली लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद है ना, इधर की तरफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के टकरा करके ही रह जाएगी, इधर की तरफ पास ही नहीं हो पाएगी, यानी कि फोकस पॉइंट पर नहीं जा पाएगी, वहाँ से होकर के नहीं गुजर पाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से होकर के नहीं गुजर पाएगी, तो आप क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रेज को थोड़ा क्या है कि इधर की तरफ अपियर्स करेंगे, भाई कि इधर की तरफ देखें, इधर की तरफ कहाँ जा रही है ये, है ना, उल्टा है, उल्टा देखेंगे। तो मान लीजिए कि वो क्या है कि जो ये है ना, इसको अपन ने थोड़ा इधर की तरफ बढ़ा लिया, अपियर्स कर लिया एक तरीके से। और दूसरा, दूसरा एक पहला रूल्स को ये लगा लिया, दूसरा रूल्स अपन क्या है कि ये पोल वाला लगा लेते हैं, पोल वाला यानी कि पोल पर अपन ने क्या है कि मतलब इसको डाला है, और ये क्या है कि रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है ना, लाइट रेज। अब आपको दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को मिलाना है, ठीक है ना। तो देखो ये लाइट रेज तो इधर की तरफ आई नहीं रही, तो इससे तो मिलने का सवाल है ही नहीं इधर की तरफ, ठीक है ना, इससे कैसे मिलेगी ये, ठीक है। और मतलब कि इधर की तरफ ये मिलेगी नहीं, मिल नहीं पाएगी, क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो लाइट रेज वहाँ से पास ही नहीं होगी, इस वजह से मिलेगी नहीं, इससे कहाँ से मिलेगी, जब वहाँ से पास होती तो मिलने की संभावना बनती, और पास भी हो गई तब भी ये दूर दूर जा रही है, इनमें डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के बीच की गैप बढ़ती जा रही है, तो मिलने का सवाल ही नहीं है, इधर की तरफ तो नहीं मिलेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, आप रिवर्स में सोचेंगे, मतलब कि अपीयर्स करेंगे, भाई कि देखिए इधर की तरफ पीछे की तरफ मिल जाए क्या, तो इधर की तरफ पीछे की तरफ आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा करके देखेंगे, अपीयर्स करके देखेंगे, तो ये एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है ना। और ये जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यानी कि आपको रिफ्लेक्टेड रेंज को भले अपीयर्स करके मिलाना है, चाहे आपको क्या है कि मतलब किसके एक्चुअल मिलाना है, ठीक है ना। तो जहां तक हो सके वहां तो रियल में मिलाने की कोशिश करना है रिफ्लेक्टेड रेंज को, और फिर अगर नहीं मिले तो फिर आपको अपीयर्स करके दूसरी साइड पर मिलाने का प्रयास करना है। तो जहां पर अपीयर्स करके आप मिलाएंगे वहां पर इमेज बनेगी, फॉर्म्ड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगी अब की बार इमेज, ध्यान दीजिए। अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करें, पोजीशन, तो पोजीशन देखें तो पोजीशन कहाँ पर आएगी, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या है कि मिरर के बाद, ठीक है ना, मिरर के बाद, बिहाइंड मिरर, ठीक है ना, बिहाइंड मिरर यानी कि मिरर से पीछे या मिरर के बाद, ठीक है ना। नेचर, नेचर क्या होगी इसकी, नेचर होगी, देखो अब मेरे नेचर यहाँ पर बदल रही है, नेचर कैसे कि ऑब्जेक्ट भी इसी साइड पर है और इमेज भी उसी साइड पर है, तो दोनों देखो सीधी हैं, ये भी जैसी ये है ना ऑब्जेक्ट है ना, वैसी ही साइड पर, वैसी की वैसी ही, भले बड़ी बन रही है मगर वैसी की वैसी सीधी की सीधी इधर की तरफ बन रही है, तो यानी कि इन्वर्टेड तो नहीं है, कैसी है, तो ये इरेक्ट है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, इरेक्ट, जो सीधी बनती है उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट, ठीक है ना। ओके, दूसरा एक और क्या है कि मतलब वर्चुअल, वर्चुअल यानी कि
वर्चुअल का मतलब होता है जो अपेयर्स करके बनाई गई है, यानी कि रियल फोकस की तरफ नहीं बन रही है, है ना, और दूसरी तरफ यानी कि आपने अपेयर्स करके बनाई है काल्पनिक, जिसको अपन क्या कहेंगे, काल्पनिक, ठीक है ना। तो वर्चुअल है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है यानी कि काल्पनिक है, ठीक है ना, रियल फोकस की तरफ नहीं बन रही है, मतलब क्या है कि पर्दा जो है ऑन द पर्दा, उसके ऊपर मतलब कि ये इमेज फॉर्म्ड नहीं हो रही है, ओके। अगर इमेज क्या है कि मान लीजिए कि फोकस पॉइंट की तरफ बनती है और पर्दे पे बनती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, रियल करते हैं। मगर ये पर्दे पे नहीं बन करके ये क्या है कि मतलब किस पे बन रही है, इमेज उस मिरर के अंदर ही उसके पीछे की तरफ, ऐसे लगेगा अपने को पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है ना। हालांकि पीछे की तरफ नहीं बनती है, आप जब मिरर को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिरर को देखेंगे तो मिरर में अंदर की तरफ बन रही है, और ऐसा मतलब कि आपको लगेगा कि पीछे की तरफ बन रही है मिरर के, ठीक है ना, ऐसा लगेगा आपको। आगे बात समझो, ये इधर से साइज, साइज क्या है, देखो लार्ज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है ना। इधर से मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस जो है ना वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी क्या है कि मतलब इमेज क्या है, बड़ी है, इमेज, ठीक है ना, बड़ी है, ओके। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, तो ये छह टाइप की इमेज थी, ठीक है ना, कहीं से बनने वाली, कॉनकेव मिरर से। तो आपने इनको समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मैं शॉर्ट में छह के छह को ही समझा देता हूँ। ये आपका क्या है कि मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर, ये पोल और ये फोकस, ठीक है। जब आप इनफाइनाइट पर रखते हैं वो किसको, ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पर बनती है इमेज, सेंटर पर बनती है, कहाँ पर बनती है, सेंटर पर बनती है, ठीक है ना। आगे पास समझे, कहाँ पर बनती है, सॉरी सेंटर पर नहीं, सॉरी फोकस पर बनती है, बहुत छोटी बनती है, पॉइंट से पे बनती है ना, रियल फोकस पर बन रही है, रियल और साइड चेंज हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज की, इसलिए इन्वर्टेड और मैग्निफिकेंस बहुत कम आएगी इसकी, ठीक है ना। जब आप इसको इमेज को, इसको ऑब्जेक्ट को खिसका करके सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में लाते हैं, तो इमेज जो है ना इन फोकस और सेंटर के बीच में बन जाती है, ठीक है ना, कहाँ पर बनती है, फोकस और सेंटर के बीच में, आगे बात समझ, फोकस और सेंटर के बीच में बन जाती है। फिर आप इसको खिसका करके और भी कहाँ पर लाते हैं, सेंटर पर लाते हैं, तो इमेज जो है कहाँ पर बनती है, सेंटर पर बनती है, कहाँ पर बनती है, सेंटर पर। फिर आप इसको खिसका करके इधर की तरफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर सेंटर और फोकस के बीच में लाते हैं, तो इमेज कहाँ पर, इधर की तरफ खिसक जाती है, और भी इमेज किधर की तरफ खिसक जाएगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ में एक, ये दो, ये तीन, ये चार, है ना, और यहाँ पहली वाली की बनी थी यहाँ पर, दूसरी वाली की बनी थी यहाँ पर, तीसरी वाली की यहाँ पर, चौथी वाली की यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। फिर अपन फोकस पॉइंट पर लाएंगे, फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो फोकस पॉइंट पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनेट पर, कहाँ पर बनेगी, इन्फिनेट पर, इन्फिनेट, ठीक है ना, हाइट, ओके। जब आप इसको कहें कि ऑब्जेक्ट को खिसका करके कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर बीच में लाएंगे, कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो है ना अपेयर्स बनेगी और इधर की तरफ मिरर से पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना, ओके। इस तरीके से आपने इसको अपेयर्स करके इधर की तरफ लिया था, ठीक है ना, इधर की तरफ अपेयर्स करके आपने इधर की तरफ लिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये छह टाइप की इमेजेस बने। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको कॉनकेव में, देखो अपन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इधर की तरफ मतलब क्या है कि कम करते गए मिरर की तरफ, इधर से इधर की तरफ मतलब खिसकाते गए मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट को इधर से इधर की तरफ खिसकाते गए, तो इमेज जो है ना वो
उसके बनने का जो पोजिशन है वो मिरर से क्या है कि दूर होता गया है। क्या होता गया है? दूर होता गया है। देखो इधर की तरफ दूर होती गई है इमेज, बनने वाली इमेज कहाँ पर गई? दूर। ठीक है, जब आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप कहें कि मतलब पास में लाते गए तो इमेज वैसे वैसे क्या है कि मतलब दूर होती चली गई। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जैसे जैसे इसको कहें कि ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट इमेज खिसकने के साथ साथ में, इधर दूर जाने के साथ साथ में इमेज की जो साइज है ना वो भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। साइज बड़ी हो जाती है, जब इनफाइनाइट पे थी तो छोटी सी, फिर आप इनफाइनाइट से थोड़ा सा खिसका करके लाए तो थोड़ी बड़ी हुई, फिर और किसका सेंटर पर लाए तो बराबर की हो गई, है ना, और फिर क्या है कि और भी आपने खिसकाया तो और बड़ी हो गई, फिर और खिसकाया तो फिर और बड़ी हो गई, यानी कि पहले तो छोटी फिर बड़ी होगी। ठीक है ना, सबसे ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, तो एक तरीके से ये आपको मैंने समरी टाइप इसको यहाँ पर बता दिया है। ओके, ये तो कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक, डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेज है ना, बाय द कॉनवेक्स मिरर। ठीक है ना, कॉनवेक्स मिरर से देखेंगे कि कॉनवेक्स मिरर से किस तरीके से मतलब कि इमेजेस बनती है। तो कॉनवेक्स मिरर से एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर से छह टाइप की इमेजेस बनती है। किससे? कॉनकेव से, ठीक है ना, और कॉनवेक्स से टू टाइप की इमेजेस बनती है। कितने प्रकार की? दो ही प्रकार के, दो प्रकार के, इनको अपन देख लेते हैं क्योंकि इसमें दो ही पोजिशन सुटे, मतलब कि दो ही पोजिशन अपन इमेज को, इसको ऑब्जेक्ट को रखने के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए पहली वाली है ना, पहले मैं इसको उसका नाम भी नहीं लेता हूँ कि कहाँ पर रख रहे हैं, पहले मैं क्या है कि आपको इसका मिरर का डायग्राम बता देता हूँ। ये है कॉनवेक्स मिरर, ठीक है ना, ये सेंटर, ये फोकस और ये पोल। ठीक है, अब इस पर दो ही पोजीशन ऑब्जेक्ट को आप दो ही जगह पर रख सकते हैं। दो ही जगह का मतलब ये है कि एक तो आप इनफाइनाइट पे रख दो, है ना, एक को कहां पर रख दो? इनफाइनाइट पर, वहां पर रख दे एक। अब फिर आपके पास में कोई पॉइंट नहीं है इधर की तरफ, तो अब आप कहां पर रखेंगे? कहीं पर भी रखो, वो तो एक ही जैसी बात है। आप यहाँ पर रखेंगे तब भी वैसा ही काम होगा, यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब भी ऐसा ही वही होगा, यहाँ पर रखेंगे तब भी वैसा ही होगा। ठीक है ना, आगे बात। तो मतलब क्या है कि आप एक तो मतलब इनफाइनाइट पर रखो और दूसरा इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं पर भी रखो। ठीक है ना, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ रखेंगे क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर की तरफ है। कॉनकेव की रिफ्लेक्टिव सरफेस जो थी वो सेंटर और फोकस की तरफ थी, इस वजह से उसमें तो डिफरेंट जगह थी। ठीक है ना, डिफरेंट पॉइंट थे, इस वजह से अपने डिफरेंट पॉइंट को यूज कर लिया। मगर यहाँ पर दो ही प्रकार के पॉइंट बन पाते हैं, एक तो इनफाइनाइट पे रख दो और एक इनफाइनाइट से लेकर इस पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर दो ही प्रकार की इमेजेस बनने की पॉसिबिलिटी है ना। तो सबसे पहले मैं इनफाइनाइट पर रख करके आपको दिखाते हैं इनफाइनाइट वाले। ठीक है ना, पहले इनफाइनाइट वाले अपन कहाँ पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? इनफाइनाइट पर। ठीक है ना, ये इसका फोकस पॉइंट और ये इसका सेंटर। इनफाइनाइट पर रखेंगे तो वहाँ से एक ही टाइप की रेज लेकर के अपन आएंगे ये। ठीक है ना, ये आ गई। अब ये रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन हो करके अब ये लाइट रेज इधर की तरफ फोकस की तरफ तो जाएगी नहीं, तो अब ये इधर की तरफ ही रिफ्लेक्ट होगी। इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी तो अपन क्या करेंगे, इसको मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो अब इधर की तरफ कहाँ पर जाएगी कोई मालूम नहीं है, है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपेयर्स करेंगे इधर की तरफ फोकस की तरफ।
ठीक है ना, आंख किसकी तरफ है, फोकस की तरफ, उधर की तरफ तो कहां पर जाएगी कोई मालूम ही नहीं है किधर जा रही है, तो आप क्या करेंगे फोकस की तरफ अपीयर्स करेंगे कि ये फोकस की तरफ, फोकस पर मिल रही है या नहीं मिल रही, तो फोकस की तरफ अपीयर्स करेंगे तो फोकस पॉइंट पर ये मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, ठीक है ना। अगर इस रिफ्लेक्टेड जो रेज है इसको आप पीछे की तरफ मतलब कि फोकस की तरफ अपीयर्स करें तो ये कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, ठीक है। हेलो, हाँ, तो जिसमें देखिए आप कि इधर की तरफ अपीयर्स अपन इसको कर लेंगे तो अपीयर्स करने के बाद फोकस पर आएगी, कहाँ पर आएगी, फोकस पर। तो पहला रूल्स यही है कि इसके पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है तो वह या तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे होकर के पास होती है या फोकस पर होती हुई अपीयर पास होती हुई अपीयर्स होती है, तो फोकस पर होती हुई अपीयर्स आपको करनी है। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी एट फोकस, ठीक है ना, एट फोकस। इधर से नेचर देखो, नेचर जो है ना ये रियल फोकस नहीं है क्योंकि इधर की तरफ अपन ने अपीयर्स करवाई तो ये रियल फोकस तो नहीं है। रियल फोकस कौन सा होता है, जिस पर डायरेक्टली मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज मतलब कि होती हुई पास होती है, अपीयर्स नहीं होती है, बाकी क्या है मतलब डायरेक्ट पास होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, रियल फोकस। और जहाँ जिस फोकस को अपन अपीयर्स करते हैं उसको अपन क्या करते हैं, जहाँ से होकर के वो अपीयर्स होती है पास होती हुई, तो उसको अपन करते हैं वर्चुअल फोकस, ठीक है ना। आगे बात सोच, तो इस वजह से यहाँ पर जो पोजीशन, इसकी पोजीशन तो हो गई, नेचर क्या होगी, नेचर होगी वर्चुअल, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज होगी एंड इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी। क्यों होगी सीधी, क्योंकि जो ये रेज है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही तरफ है, ठीक है ना, मतलब इन्होंने अपनी साइड को चेंज नहीं किया, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट भी इधर की तरफ ही है तो इमेज भी इधर की तरफ ही है, ठीक है ना, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इस वजह से क्या है कि मतलब यहाँ पर इमेज की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, यानी कि इमेज भी उधर की तरफ ही बनेगी जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस वजह से। हाँ, साइज देखेंगे इसकी, साइज क्या है, इसकी साइज हो जाएगी आपके वेरी स्मॉल, क्योंकि ये क्या है कि कहां पर है, फोकस पर, वेरी स्मॉल, ठीक है, और पॉइंट शेप में, ये पॉइंट शेप में और वेरी स्मॉल, ठीक है। इधर से मैग्निफिकेंस की बात करेंगे तो मैग्निफिकेंस वही यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, पॉइंट शेप में बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी। तो एक तो ये वाला डायग्राम इसका होता है कि जब आप एक तो इनफाइनाइट पे रखो और एक दूसरा आप अपन कहाँ पर रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट, और क्या है कि कहाँ पर, बिटवीन, है ना, इनफाइनाइट एंड मिरर। आगे बात सोच, मिरर का जो पोल है उसके बीच में, पोल ऑफ मिरर कर दे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। आगे बात, या मिरर और इसके इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है ना। अब यहां पर रख दिया, कहीं पर भी रखो, यहां पर रखो चाहे यहां पर रखो, यहां पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसी इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब देखो, ये तो पहला रूल्स यूज किया है ना,
पहला रूल तो यूज कर लिया कि इसके क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए और रिफ्लेक्ट होगी वो क्या है कि इससे होती हुई कहाँ से होती हुई फोकस से होती हुई या फोकस से होती हुई अपीयर्स, ठीक है ना, तो अपीयर्स हो रही है। दूसरा अपन यूज करते हैं पोल पर डाल देते हैं, कहाँ पर डाल देते हैं पोल पर, ठीक है ना, पोल पर डाल दिया। तो पोल पर डालने पर ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई, अब रिफ्लेक्ट हो गई तो ये इधर की तरफ जा रही है, अब इधर की तरफ कहाँ पर मिलेगी किससे मिलेगी कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब इधर की तरफ तो कोई सवाल नहीं है कि आपके पास भी दूसरा रूल्स क्या है इमेज को बनाने के लिए कि दो मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करें। अब ये तो इधर की तरफ जा रही है तो, और ये इधर की तरफ जा रही है तो ये दोनों तो मिलने का सवाल इधर की तरफ तो है ही नहीं, इधर की तरफ तो मिलने का सवाल है ही नहीं, ठीक है ना, ये मिलेगी नहीं कभी। तो अब आप क्या करें, इनको थोड़ा मतलब कि पीछे की तरफ अपीयर्स करके मिलाने का प्रयास करें। तो अपीयर्स करके मिलाने का प्रयास करेंगे तो कहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। आगे पास मुझे अपीयर्स करके पहले तो आप रियल में देखेंगे कि भाई इधर की तरफ मिलेगी क्या, नहीं मिली, नहीं मिलेगी तो फिर अपीयर्स करके मिलाना है। तो दोनों को आप अपीयर्स करके मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मिली है ना। तो यानी कि अब जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है, पोल और फोकस के बीच में, कहाँ पर बनी है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो पोजिशन, पोजिशन हो जाएगी इसकी पोल एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में बन जाएगी। दूसरा नेचर, नेचर क्या होगी इसकी, वर्चुअल हो जाएगी एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्यों वो आप खुद समझिए, ठीक है ना। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रियल फोकस है नहीं, ठीक है ना, रियल फोकस की तरफ बनती है तो रियल बनती है, ये वर्चुअल फोकस की तरफ बन रही है तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। इरेक्ट है क्योंकि देखो ये सीधी बन रही है, ठीक है ना, इसलिए इरेक्ट, ठीक है। साइज, साइज देखें तो छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, मगर पॉइंट शेप में नहीं है, केवल स्मॉल है, ठीक है। और मैग्निफिकेंस वही आ जाएगी, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट से छोटी है, ये तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैंने क्या है कि आपको कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर से बनने वाली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस के बारे में आपको बताया है, ठीक है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस हो गई जिसको आपको मैंने बना करके दिखाया। इनको आप घर पर खुद भी एक बार इन वीडियोस को देख करके समझ करके और इनको इमेज को आप पेंसिल और स्केल लेकर के और अच्छे तरीके से मतलब कि नाप करके सभी चीज़ों को नाप करके लेंगे आप, है ना। जैसे आपने क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से पोल से लेकर के सेंटर की जो डिस्टेंस है ना, सेंटर की जो डिस्टेंस है आपने 10 सेंटीमीटर ले ली तो इसको फोकस पॉइंट को आप 5 सेंटीमीटर पर रखना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप इधर की तरफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर बीच में ले रहे हैं ना, तो फिर बीच में ले रहे हैं तो आप क्या है कि मतलब थोड़ा नाप करके लेंगे भाई, आप बिल्कुल जस्ट बीच में होना चाहिए। तो उस तरीके से आप स्केल और पेंसिल का यूज करके अगर बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी क्या है कि इमेजेस बनेगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ओके, थैंक यू।